तो गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रेसल। अभी तो भाई एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आ रही है ब्रॉक लेसनर को लेकर के, कि ब्रॉक लेसनर अपना बहुत ही जल्द WWE में रिटर्न करने वाले हैं। एंड जो उनसे रिलेटेड रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि ब्रॉक लेसनर अपना WWE में रिटर्न करने के बाद फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। हाँ, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे लोग जो भी चैनल पर नए हो तो भाई अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि वो अपना रॉ पर रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि स्मैकडाउन पर अब काफी टाइम हो चुका है ब्रॉक लेसनर को कंटिन्यू करते हुए। एंड अगर वो स्मैकडाउन पर अपना रिटर्न भी करते हैं तो उस चीज का कोई सेंस भी नहीं बनेगा इस वक्त, क्योंकि भाई अब इस वक्त अंडर कंट्रोल ट्रिपल एच के में है। एंड रोमन रेंग्स को ब्रॉक लेसनर इन फ्यूचर कभी भी चैलेंज नहीं करने वाले, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर रोमन रेंग्स से पता नहीं कितनी ही बार हार चुके हैं। एंड अब इस चीज का भी कोई सेंस नहीं बनता कि ब्रॉक लेसनर आएंगे बार बार अपना रिटर्न करेंगे एंड वो फिर से रोमन रेंग्स को चैलेंज करेंगे, तो इसका कोई सेंस अभी नहीं बनता। लेकिन सेंस बनता है जो है सेथ रॉलिंस से उनकी चैंपियनशिप लेने का। लेकिन क्या ब्रॉक लेसनर सच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाले? तो भाई पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ब्रॉक लेसनर को अगर चैंपियनशिप WWE जरूर देगी चैंपियनशिप की रेलिवेंसी बढ़ाने के लिए। हालांकि अभी सेथ रॉलिंस चैंपियन है, अच्छे चैंपियन है, लेकिन सेथ रॉलिंस भाई अभी उस चैंपियनशिप को इतना रेलिवेंट नहीं कर पारे जितना ब्रॉक लेसनर उस चैंपियनशिप को रेलिवेंट कर देंगे। हालांकि अगर आपको याद होगा जब WWE ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस किया था तब भी उन्होंने ब्रॉक लेसनर को ही वो चैंपियनशिप दी थी उस चैंपियनशिप को रेलिवेंट करने के लिए, ताकि फैंस बिलीव करें कि हाँ भाई ये चैंपियन भी एक चैंपियन है। एंड काइंड ऑफ इसी तरह से हो सकता है ब्रॉक लेसनर को WWE रॉ ब्रांड की भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दे दे। एंड भाई अब आप ये 100% कंफर्म मान सकते हैं कि जैसे ही ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करेंगे तो वो एक चैंपियनशिप रन लेने वाले हैं। फर्क नहीं पड़ता वो हारेंगे जीतेंगे, लेकिन उनको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए वो चेस जरूर करेंगे। एंड प्रोबेबली इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हैं कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत करके न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाए। तो भाई अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग को क्या लगता है, क्या ब्रॉक लेसनर रिटर्न करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।